नहीं मालूम, हम है कलाकार जैसे कि तेंदुलकर। अबे चुप कर। देवियों सज्जनों, हम आपके सामने एक ग्रुप प्ले प्रस्तुत कर रहे हैं और विषय है विद्यार्थियों का, शिक्षा की प्रणालियों का। दिन में होटलों में जाने वालों में 50% विद्यार्थी है। देश के गुनेगारों में 55% विद्यार्थी है। बिना टिकट सफर करने वाले 7% विद्यार्थी है। नगे फसल में मारिया पकड़ गए 63% विद्यार्थी है। चुनाव कार्यकर्ताओं में 70% विद्यार्थी है। मैट्रिक शो देने वाले में 80% विद्यार्थी है। क्यों पढ़ाई छोड़कर ये सारे बाकी चीजें कैसे कर लेते हैं? कौन करवाता है इनसे? कौन जिम्मेदार है? आप या आप? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या यही है देश का भविष्य, हमारे देखे हुए ख्वाब। ख्वाबों को सच बनाना है, दिल में यही है ठाना। ख्वाबों को सच बनाना है, दिल में यही है ठाना। ख्वाबों को सच बनाना है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और हम सभी भारतीयों ने पढ़ना लिखना शुरू। भारत मेरा देश है। ओ भारत साडा देश है। अरे भारत भारत देश है। हाय हाय, लगता है सारा भारत इन्हीं का तो देश है और सारे भारतीय इन्हीं के भाई बहन। अरे एसएससी का रिजल्ट निकल गया, अपना बैंड निकल ले चलो। मेरे बेटे को एडमिशन मिल गया। अबे बताना तो कैसे अंदर घुस गया? उसका नाम लिया, एडमिशन लिया। अबे क्या बात कर रहे हो, उसका नाम तो डॉन है पर पूरा नाम तो डोनेशन है। ए जाने तो मुझे जाना है, मेडिकल में एडमिशन पाना है। 99 मार्क्स मिले। कौन है वो? बेटा मेडिकल के लिए 99 मार्क्स कम है, 100 में से 105 लाओ फिर जाके एडमिशन मिलेगा। तो मैं क्या करूं? ख्वाबों को सच बनाना है, दिल में यही है ठाना। ख्वाबों को सच बनाना, जरा माल तुम कमाओ, क्या कुछ है कर दिखाना। ख्वाबों को सच बनाना। तो मैं क्या करूं, कहां से लाऊं लाखों रुपया? मेरा बाप तो मामूली इंसान है, मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं और मेरी माँ खाट से लगी रहती है। कहने को तो सब कुछ है मगर मैं फिर भी अकेली। क्या ये गुनाह है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी सुधारना चाहती हूँ? नहीं ना, तो फिर क्यों पढ़ाई को पैसों से तोला जा रहा है? क्यों शिक्षा का सौदा किया जा रहा है? क्यों? पैसे नहीं तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, तुम उनसे जाके सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर तुम हरिजन हो, तुम उनके साथ हो। रघुपति राघव राजा बापू, आप मर गए? अरे अरे काहे का बापू, मैं तो फैंसीनेस कंपटीशन के लिए जा रहा था, किसी ने रास्ते में ही गोली मार दी। हे राम, हे के अडवाणी। यही कारण है हजारों गरीब विद्यार्थी पढ़ाई आदि छोड़ देते हैं, लाखों बच्चे बाल मजदूर बन जाते हैं। कभी डोनेशन, कभी कैपिटेशन, कभी फीस, अलग अलग नामों से महंगाई इन्हें डस लेती है और संसार का बड़ा हिस्सा जहरीला हो जाता है। पर कौन आता है महंगाई को बचाने? कौन आता है इनका भविष्य जगाने? कौन? महंगाई, भारत महंगाई,
बदला। स्कॉलरशिप के पैसे वक्त पे ना मिलने की वजह से इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी ने खुदकुशी कर ली। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, मुर्दा सलाम हस्त है, राम राम सत्य है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सुसाइड करने। ओए, सुसाइड कर रही है? अब चले साइड में सू कर। ओए जा रहा हूँ। चल चल, इसका वक्त नहीं है, कॉलेज जाना है। चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा रुमाल गिर गया है। थैंक यू भैया। अबे देख, मैं लड़कियों को नहीं देखता। तो क्या लड़कों को देखता है? तुम लोग ऐसे अपना टाइम बर्बाद करते हो। मुझे पढ़ाई करनी है, कैसे भी फर्स्ट क्लास आना है। ए, डोंट वरी, बी हैप्पी, लेट्स गो फॉर अ यूनिवर्सिटी। किसकी है? अबे कॉपी कर ले। नहीं। अबे बाजीगरे का पेपर देख ले। नहीं। अबे खुद कह रहा कॉपी कर ले। गांधी बापू ने मना किया था। तो तेरे बाप ने वैसे दी उसका क्या? शिक्षा का मम्मी की उम्र क्या है? 43 साल। तो इसका 43 मार्क्स। तेरे पापा की उम्र क्या है? 45 साल। तो इसको 45 मार्क्स। ए, तेरे दादा की उम्र क्या है? मेरे दादा तो मर गए। तो इसको 0 मार्क्स। चलो मैच देखते देखते पेपर चेक करता हूँ। अरे सुनती हो? हाँ जी। चाय लाना? जी अभी लाई। अरे क्या हैंडराइटिंग है? 60 मार्क्स। शुद्ध हिंदी में लिखा है भाई, 80 मार्क्स। अरे ये तो अपने ही यूपी का रहने वाला है, 90 मार्क्स। तो इसको ये लीजिए चाय। हाँ। ये कोई चाय है? इसमें तो शक्कर ही नहीं। शक्कर का दाम पता है? मैंने कहता था कि बंबई यूनिवर्सिटी में देर है और अंधेर इधर 30 साल बाद आया। तो क्या हुआ? आया तो अच्छा, लेकिन तू तो पास ही हो गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर वाइस चांसलर एक मीटिंग कर रहे हैं। अरे साथ में बैठो बैठो।
की तीन मेन समस्या है। पहला डोनेशन, दूसरा मार्क्स स्कैंडल और तीसरा करप्शन। डोनेशन का क्या है, अब इससे बड़ा पुण्य का काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ तालियां तालियां तालियां। और रहा सवाल मार्क्स स्कैंडल का, तो भैया जब तक जिंदगी में स्कैंडल या सैंडल ना हो तो जिंदगी का क्या फायदा। हाँ सवाल करप्शन का, तो भैया जिस चीज को लेकर आप स्टूडेंट आगे जाके करने वाले हो उस चीज की ट्रेनिंग हम अभी से दे रहे हैं। हाँ भाई भाई साहब सुनिए, भाई साहब देखिए ये लोग पीछे के दरवाजे से एडमिशन दे रहे हैं। अबे वो पीछे से भी या आगे से मुझे क्या करना है भाई, मेरे बेटे का तो एडमिशन हो गया ना। मुबारक हो अभी घूमो घूमो। अरे भाई साहब देखिए ये लोग पेपर ठीक से चेक नहीं कर रहे। अरे तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, पेपर चेक हो ना, मेरा बच्चा तो पास हो गया ना। आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास बहुत पैसा है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि भ्रष्टाचार समस्या आपकी नहीं। आपका लड़का कॉलेज नहीं जाता, इसका मतलब ये तो नहीं कि शिक्षा की समस्या आपकी नहीं। जो सीखना है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो कर दिखाना है तो मौका नहीं मिलता। हम इस देश की और भाषा परदेसी, हम हिंदुस्तानी है और भाषा अंग्रेजी, ऐसा क्यों? मैं अपनी माँ का या अपने बाप का या फिर किसी का भी नहीं। हम कुएं के मेंढक पढ़ लिख कर नदी में आए, वहां से खारे समंदर में और वहां से पता नहीं कहां गुम हो गए। कोई गांव से आता है तरक्की के लिए, कोई आदिवासी आता है इंसान बनने के लिए, अच्छी तालीम के मंसूबे बेहतर जिंदगी की तमन्ना है। कुछ गरीब घर के अकलमंद चिराग, कुछ मजबूर बाबा के मेहनतीशील हाथ, कुछ अपना सा सपना सा इंद्रधनुष लेकर आए नए शहर में, कॉलेज में शिक्षा के ज्ञान मोहल्ला और रो दिए। खो गए क्यों, कहां, कैसे? सरस्वती को हर दौर से लौटना पड़ता है खाली हाथ, सरस्वती की इज्जत रोज लूटी जाती है उन दुशासनों के हाथ, सरस्वती की चीखें आज भी गूंजती है चारों ओर, और हम भी पांडवों की तरह चुप नतमस्तक खड़े हैं बने हाथ। हम अंधे बने हैं या पागल हैं, हम बेवकूफ हैं या शाणे हैं, हम अपाहिज हैं या हिजड़े हैं। गुरु गुरु नहीं रहा, शिष्य शिष्य नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा शिक्षा नहीं रही, शिक्षा खरीदी बेची जाती है, प्रगति के नाम पर सूली पर चढ़ाई जाती है। ऐसी शिक्षा से कौन सा नाम मिलेगा, मिलेंगे तो बस सर्टिफिकेट डिग्रियां, यानी कागज के चंद टुकड़े। एक दिन ऐसा आएगा जब इन कागजी टुकड़ों को चबाना पड़ेगा, भूखो मरना पड़ेगा, फिर इसी कागजी टुकड़ों को सड़कों पर लेकर निकल कर जाना पड़ेगा, भीख मांगते हुए रोते चिल्लाते हुए कि मेरे बाप को नौकरी दे दो, कोई काम दे दो, खाने को पैसा नहीं, सोचने को विचार नहीं, मेरे बाप देखो।